व्हाट इज कंपैक्शन। कंपैक्शन क्या, कंपैक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एयर को रिमूव कर देते हैं और एक होमोजीनियस कॉन्क्रीट मिक्स बनाते हैं। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द मैथड्स ऑफ कंपैक्शन। सो बहुत सारी मैथड्स है, सच एज हैंड कंपैक्शन, कंपैक्शन बाय वाइब्रेशन, कंपैक्शन बाय प्रेशर एंड जॉल्टिंग, कंपैक्शन बाय स्पिन। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट है हैंड कंपैक्शन। सो हैंड कंपैक्शन क्या है, जिसमें हम लोग मैन्युअली कंपैक्ट करते हैं। हैंड कंपैक्शन के अंदर अगेन थ्री मैथड्स है, रोडिंग, रैमिंग एंड टैम्पिंग। रोडिंग में क्या होता है, रोडिंग दैट इज नथिंग बट द पोकिंग ऑफ द कॉन्क्रीट बाय यूजिंग द रोड। रोड के डायमीटर होता है 16 mm और 2 meter की लेंथ होती है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको कंपैक्ट करते हैं। बट इसकी लिमिटेशंस है कि इसको हम लोग 15-20 cm डेप्थ से ज्यादा कंपैक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है रैमिंग। एज शोन इन द फिगर, रैमिंग में क्या होता है कि रैमिंग जो हमारा है उसमें हम लोग सरफेस पे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। जहाँ पर अनरिइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर कॉन्क्रीट है वहाँ पर हम लोग रैमिंग मैथड का यूज कर सकते हैं। बट इफ वी आर यूजिंग रिइंफोर्समेंट, इन दैट केस वी आर नॉट यूजिंग द रैमिंग मैथड। रैमिंग मैथड को हम लोग फर्स्ट फ्लोर अदरवाइज रूफ पे कंपैक्ट करने के लिए यूज नहीं करते। अगर कोई ड्राई कंक्रीट को हमें रैम्ड करना है तो हम लोग हैवी रैमर का यूज करेंगे, जिसके द्वारा क्या होगा कि जो एग्रीगेट के बीच की स्पेसिंग है वो स्पेसिंग में एयर वॉइड्स फिलअप हो जाएंगे और आफ्टर दैट क्या होगा, हमें लेवल्ड सरफेस मिलती है। नेक्स्ट आता है टैम्पिंग। टैम्पिंग के अंदर हम लोग वुडन ब्लॉक्स का यूज करते हैं। बाय यूजिंग वुडन ब्लॉक्स जो 10 cm by 10 cm का होता है, जिसके द्वारा हम लोग टैंक करते हैं और कॉन्क्रीट को कंपैक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारी कंपैक्शन बाय वाइब्रेशन। कंपैक्शन बाय वाइब्रेशन के 4 types है, इंटरनल वाइब्रेटर्स, एक्सटर्नल वाइब्रेटर्स, सरफेस वाइब्रेटर्स, स्टेबल वाइब्रेटर्स। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट देखते हैं इंटरनल वाइब्रेटर्स। इंटरनल वाइब्रेटर्स को हम लोग नीडल वाइब्रेटर्स के नाम से भी जानते हैं। सो नीडल वाइब्रेटर्स में क्या होता है, एक नीडल होती है जिसके साथ एक मूवेबल शाफ्ट कनेक्ट होता है। वो शाफ्ट एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्ट होता है। वो इलेक्ट्रिक मोटर आइदर पेट्रोल आइदर एयर प्रेशर से मूव करती है। वो नीडल को हम लोग कॉन्क्रीट के अंदर वर्टिकली मूव करते हैं, वर्टिकली उसमें डालते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जब वो इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट होगी तो उसके साथ जो शाफ्ट कनेक्ट है जिसकी वजह से नीडल में वाइब्रेटर्स आता है, तो वो वाइब्रेटर्स की वजह से वहाँ पर कंपैक्शन होता है। जब हम लोग कंपैक्शन प्रोवाइड करते हैं तब हम लोग ये प्रिकॉशंस रखते हैं कि जो न्यू लेयर है और ओल्ड लेयर है, तो जो न्यू लेयर है उसके अंदर से पास होकर नीडल ओल्ड लेयर थ्रू जाएगी और दोनों लेयर होमोजीनियसली कंपैक्टेड हो जाए और एक दूसरे में मिक्स्ड हो जाने चाहिए। नेक्स्ट मेथड है हमारी एक्सटर्नल वाइब्रेटर्स। जो हमें फिगर्स में दिखाया गया है उस हिसाब से जनरली हम लोग कॉलम को वाइब्रेट करने के लिए, कॉलम को कंपैक्ट करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल वाइब्रेटर्स का यूज करते हैं। एक्सटर्नल वाइब्रेटर्स में इलेक्ट्रिक मोटर्स को फॉर्मवर्क्स की बाहर की साइड पे फिट किया जाता है, वहां से उसे कंपैक्ट करते हैं। जब हम लोग इस टाइप से कंपैक्शन प्रोवाइड करते हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट मेथड है टेबल वाइब्रेटर्स। टेबल वाइब्रेटर्स में हम लोग एक स्टील टेबल्स का यूज करते हैं। वो स्टील टेबल्स के नीचे इलेक्ट्रिक मोटर फिट करते हैं और वहां से क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है। बट जब ये वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो जनरली ये टाइप के मैथड्स हम लोग स्मॉल प्लेसेस पे यूज करते हैं, कर सकते हैं। जहाँ पर हमें लेबोरेटरीज में कॉन्क्रीट ट्यूब्स बनाने होते हैं वहाँ पर हम लोग टेबल वाइब्रेटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट मैथड है सरफेस वाइब्रेटर्स। सरफेस वाइब्रेटर्स में स्क्रीड बोर्ड का यूज करते हैं। स्क्रीड बोर्ड के वहां पर हम लोग एक छोटा सा वाइब्रेटर फिट करते हैं। तो जैसे ही हम लोग स्क्रीड बोर्ड को कंक्रीट के ऊपर मूव करते हैं, एट द टाइम क्या होगा कि वहां पर वाइब्रेशंस होगा जिसकी वजह से कंपैक्शन होता है। बट स्क्रीड बोर्ड को हम लोग ज्यादा डेप्थ पर यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट मेथड है हमारी कंपैक्शन बाय प्रेशर एंड जॉल्टिंग। सो कंपैक्शन बाय प्रेशर एंड जॉल्टिंग कहाँ पर यूज होता है, कैसे प्रोसेस होती है इसमें, तो इसमें ऊपर की साइड से प्रेशर देते हैं और नीचे से वाइब्रेशंस देते हैं, जिसकी वजह से बीच में जो कंक्रीट होता है उसमें जॉल्टिंग एक्शन होती है। ये टाइप जनरली ड्राई कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए यूज होती है, हॉलो ब्लॉक्स बनाने में, कैविटी ब्लॉक्स बनाने में, जिसमें हम लोग कॉम्पैक्शन बाय प्रेशर एंड जॉल्टिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट मैथड है हमारी कंपैक्शन बाय स्पिन। कंपैक्शन बाय स्पिनिंग जो रिसेंटली यूज मैथड है, नाउ डेज कॉन्क्रीट को कंपैक्ट करने के लिए हम लोग स्पिनिंग का यूज करते हैं।
इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पिनर है उसे हम लोग लो स्पीड पे मूव करेंगे जब तक हमारा टोटली स्पिनर फिलअप नहीं हो जाता। जब वो फुली फिल्ड हो जाता है एट दैट टाइम क्या करते हैं, हमें उसे हाई स्पीड पर मूव करते हैं और वहां पर से एक्स्ट्रा वाटर वहां रिमूव हो जाता है। आफ्टर दैट अगेन उसकी स्पीड डाउन करेंगे और वहां पे हम लोग ड्राई सीमेंट को स्प्रिंकल्ड करते हैं। इस तरह से इसमें हम लोग कंपैक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो आज के वीडियो में वी आर डिस्कसिंग सम पॉइंट्स अबाउट द कंपैक्शन एंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंपैक्शन। हियर आई हैव गिवन यू द लिंक फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम व्हिच यू कैन इवैल्यूएट योर नॉलेज अबाउट द टॉपिक। Hope you like the video lecture. Thank you.